नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संस्कृति के विषय में जानेंगे। भारतीय संस्कृति में ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे भारतीय संस्कृति अक्षुण है, स्थायी है, उसका अस्तित्व आज तक भी विद्यमान है। तो आइए साथियों जानते हैं भारतीय संस्कृति के इस लेख से भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में। संस्कृति मानव समाज से अति प्राचीन है, अमूल्य चैनिधि अस्ति। संस्कृति मानव समाज की अत्यंत प्राचीन और अमूल्य निधि है। निधि का मतलब खजाना। संस्कृति मानव समाज की अत्यंत प्राचीन और अमूल्य निधि है, ठीक है। या जो मीन्स संस्कृति, मन से मन की वा अथवा आत्मने आत्मा को संस्कारण करोती, संस्कारित करती। जो मीन्स वह संस्कृति मन को और या आत्मा को संस्कारित करती है, संस्कार देती है। मन और आत्मा को परिमार्जित करती है, मन तथा आत्मा को शुद्ध करती है, वह है भारतीय संस्कृति। सा संस्कृति होती, वह संस्कृति होती है। जो मन को अथवा आत्मा को संस्कारित करती है, वह संस्कृति होती है। जिससे हमारा मन शांत होता है, हम प्रसन्न रहते हैं, हम एक सुमार्ग पर गमन करते हैं, वही संस्कृति है। किसके मार्गदर्शन से हम आगे चलते हैं, किसके मार्गदर्शन से हम अच्छे कर्म करते हैं, उसी को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति मानव मन से अज्ञानम अपहरति। संस्कृति मानव मन का अज्ञान अपहरति, दूर कर देती। मानव के मन में जो भी अज्ञान होता है उसको संस्कृति दूर कर देती है, उसका अपहरण कर देती है और ज्ञान का संचार करती। संस्कृत ज्ञान ज्योति ही प्रकाशयति, ज्ञान की ज्योति का प्रकाशित करती है, ज्ञान ज्योति को प्रकाशित करती है। सत्य व्रतिम संस्थापयति, और सत्य व्रति का स्थापन करती है, सत्य व्रति का संचार करती है, सत्य व्रति की स्थापना करती है। शांतिम च प्रददाति, और शांति देती है, और शांति देती है। संस्कृति मानव से, राष्ट्र से, विश्व से उपकारम करोति। संस्कृति मानव का, राष्ट्र का और विश्व का उपकार करती है। संस्कृति एव मानव हृदयेषु विश्व बंधुत्व भावना उत्पाद्ये लोकहिताय कल्पते। संस्कृति ही मानव हृदयों में विश्व बंधुत्व की भावना को उत्पन्न करके, उत्पाद्ये उत्पन्न करके लोक हित की कल्पना करती है। संस्कृति ही मानव हृदयों में विश्व बंधुत्व की भावना को उत्पन्न करके लोक हित की कल्पना करती है। भारतीय संस्कृति निज गुण रश्मिना समस्त विश्व संस्कृति मंडले सूर्य से ज्योति उदय दिव्य। भारतीय संस्कृति की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय संस्कृति अपने गुण रूपी किरणों से समस्त विश्व संस्कृति के मंडल में सूर्य की ज्योति के समान दैदीप्यते चमक रही है। भारतीय अनुभवन्ति, भारतीय अनुभव करते हैं, यत कि जगते सर्वे धर्मा मोक्ष प्रदायिका सन्ति। जगत के सभी धर्म मोक्ष देने वाले होते हैं। सर्वे धर्मा अंततः एकमेव लक्ष्यम प्रति गच्छन्ति। सभी धर्म आखिरकार एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति हिंसा या किंचित अपि स्थान नास्ति। लेकिन भारतीय संस्कृति में हिंसा का कुछ भी स्थान नहीं है। अस्याम संस्कृत, इस संस्कृति में आत्मत्यागस्य भावना समाहिता, आत्मत्याग की भावना समाहित है। अतः भारतीय संस्कृति विशेषता संधि, इसलिए भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं
पर धर्म सहिष्णुता, दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता, आत्मशुद्धि और नारी सम्मान में, और नारी सम्मान। तो अब साथियों, जो ये लेख है इसको हम व्याकरण के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट करने वाले हैं, जिससे यदि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम उनको स्पष्ट कर सके। तो संस्कृति मानव समाज से अति प्राचीन है, अमूल्य चैनिधि अस्ति। संस्कृति मानव समाज की अत्यंत प्राचीन और अमूल्य निधि है। संस्कृति मानव समाज की क्या है? एक अमूल्य निधि, एक अमूल्य निधि है। तो यहां पर जो निधि है इसका विशेषण पूछा जाए हमें तो अति प्राचीन और अमूल्य, ये दोनों विशेषण है, ठीक है। और अस्ति ये क्रिया है, इसका कर्ता पूछा जाए तो निधि लिखेंगे, क्या लिखेंगे? निधि, ठीक है। और निधि कर्ता है, इसकी क्रिया पूछी जाए हमें तो क्या लिखेंगे? अस्ति। निधि है, क्या है? निधि है। तो निधि के अनुसार यहां पर अस्ति का प्रयोग किया गया। आगे देखिए, संस्कृति मानव समाज की अत्यंत प्राचीन और अमूल्य निधि है। क्या है संस्कृति? क्या? अमूल्य निधि। संस्कृति क्या है? अमूल्य निधि है। निधि संस्कृति के लिए प्रयोग किया गया है, संस्कृति के लिए निधि का प्रयोग किया गया है। कैसे? कि संस्कृति मानव समाज की अत्यंत प्राचीन और अमूल्य निधि है, और अमूल्य निधि है। क्या है? संस्कृति। तो यहां पर हम कर्ता की बात करते हैं तो यहां पर अस्ति का कर्ता निधि और संस्कृति दोनों, ठीक है, एक को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि निधि का प्रयोग संस्कृति के लिए किया गया और संस्कृति और निधि एक ही बात है। निधि क्या है? संस्कृति, खजाना, जो मन की अथवा आत्मा को संस्कारित करती है, जो मन को अथवा आत्मा को संस्कारित करती है, सा संस्कृति होती, वह संस्कृति होती। संस्कृति किम भवति? संस्कृति क्या होती है? तो उत्तर होगा हमारा, जो मन को अथवा आत्मा को संस्कारित करती है वह संस्कृति होती। नेक्स्ट, संस्कृति मानव मन से अज्ञान आवर्ती। संस्कृति और क्या करती है? संस्कृति मानव मन के मन का अज्ञान दूर करती। ज्ञान ज्योति प्रकाशयति, ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित करती है। सत्यवृत्तिं संस्थापयति, सत्यवृत्ति को स्थापित करती है। शांतिं च प्रददाति, और शांति प्रदान करती है। इतना काम करती है संस्कृति। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है, संस्कृति मानव मन का अज्ञान दूर करती है, ज्ञान ज्योति प्रकाशित करती है, सत्यवृत्ति की स्थापना करती है और शांति प्रदान करती है। संस्कृति मानव से, राष्ट्र से, विश्व से अपकारण करोगी। संस्कृति मानव की, राष्ट्र की और विश्व का उपकार करती। संस्कृति एवं मानव हृदय सु विश्व बंधुत्व भावना उत्पादे लोक हिताय कल्पते। संस्कृति ही मानव हृदयों में विश्व बंधुत्व की भावना को उत्पन्न करके लोक हित की कल्पना करती। भारतीय संस्कृति निज गुण रश्मिना, अपने गुण रूपी रश्मि से समस्त विश्व संस्कृति मंडले सूर्य से ज्योति उदित। समस्त विश्व संस्कृति मंडल में सूर्य की ज्योति के समान प्रकाशमान। भारतीय अनुभवंती, भारतीय अनुभव करते हैं, या भारतीय कर्ता है, अनुभवंती क्रिया। यत कि जगत है सर्वे धर्म मोक्ष प्रदायिका संधि, कि जगत के सभी धर्म मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मोक्ष प्रदाय का, मोक्ष प्रदान करने वाले संधि हैं, क्या है? धर्म। तो यहां पर धर्म कर्ता हो गया और संधि क्रिया हो गया। और भारतीय संस्कृति किसके समान चमक रही है? सूर्य से ज्योति, सूर्य की ज्योति के समान चमक रही। सर्वे धर्म अंततः एकमेव लक्ष्यं प्रति गच्छन्ति, सभी धर्म अंततः एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं। भारतीय संस्कृति तो हिंसाया किंचित अपि स्थान नास्ति, भारतीय संस्कृति में हिंसा का कुछ भी स्थान नहीं। अस्याम संस्कृतौ, इस संस्कृति में
आत्मत्याग से भावना समाहित है, आत्मत्याग की भावना समाहित है। अतः भारतीय संस्कृति विशेषता समझी, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं पर धर्म सही समता, आत्मशुद्धि और नारी सम्मान। पर धर्म सही समता, आत्मशुद्धि और नारी सम्मान, ये भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। अब साथ ही हम इनके प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करते हैं कि संस्कृति कस्य अज्ञानम अपहरति, संस्कृति किसका अज्ञान दूर करती है। तो ध्यान यहां देखिए, अपहरति अपहरति, तो संस्कृति प्रश्न होगा हमारा, संस्कृति कस्य अज्ञानम अपहरति, संस्कृति किसका अज्ञान दूर करती है। तो लिखेंगे हम मानव मन से, उत्तर हमारा क्या होगा, मानव मन से, उत्तर हो गया हमारा मानव मन से, संस्कृति मानव मन का अज्ञान दूर करती। संस्कृति किन किन का होती, संस्कृति क्या क्या करती है, उत्तर होगा संस्कृति मानव मन से अज्ञानम अपहरति, ज्ञान ज्योति प्रकाश करती, सत्य वर्तिम संस्थापयति, शांतिम च प्रददाति, ये करती है संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृति मानव से राष्ट्र से विश्वस्य च उपकारम करोति, संस्कृति कस्य उपकारम करोति, ये प्रश्न होगा हमारा नेक्स्ट, संस्कृति कस्य उपकारम करोति, संस्कृति कस्य उपकारम करोति, संस्कृति किसका उपकार करती है, संस्कृति मानवस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च उपकारम करोति, संस्कृति मानव का राष्ट्र का और विश्व का उपकार करती है, भला करती है। और क्या करती है संस्कृति, संस्कृति ही एक संस्कृति ही मानव हृदयों में विश्व बंधुत्व की भावना को उत्पन्न करती, लोक हित की कल्पना, लोक हिताय कल्पना का करोती, लोक हित के लिए कल्पना कौन करती है, तो उत्तर होगा हमारा संस्कृति, क्या उत्तर होगा संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कृति तो कस्य स्थानम नास्ति, भारतीय संस्कृति में किसका स्थान नहीं है, तो उत्तर तो साथियों क्या होगा कि भारतीय संस्कृति में स्थान किसका नहीं है, तो देखिए भारतीय संस्कृति तो हिंसा या किंचित अपि स्थान नास्ति, भारतीय संस्कृति में हिंसा का स्थान नहीं है, ये उत्तर हो गया हमारा। प्रश्न है, भारतीय संस्कृत कस्य स्थानम नास्ति, भारतीय संस्कृति में किसका स्थान नहीं है, तो उत्तर क्या होगा हमारा, हिंसाया, उत्तर होगा हिंसाया, हिंसा का स्थान नहीं है भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में फिर किसका स्थान है, अहिंसा करुणा दया प्रेम इनका स्थान है। नेक्स्ट है, संस्कृति मानव मन से क्या प्रकाशित, संस्कृति मानव मन का कि क्या प्रकाशित करती है, क्या प्रकाशित करती है, तो देखिए संस्कृति मानव मन का क्या प्रकाशित करती है, ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति, संस्कृति मानव मन से ज्ञान ज्योति प्रकाशित, संस्कृति मानव मन की ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकाशित करती है। तो संस्कृति होती क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। संस्कृति जो शब्द बना है सम उपसर्ग क्रिया धातु से बना है, और संस्कृति का मतलब होता है साथियों संस्कार का प्रादुर्भाव होना, संस्कार, संस्कार पर परिमार्जित होते हैं, शुद्ध होते हैं, सन्मार्ग पर ले जाने वाले होते हैं, उन्हीं को संस्कार कहते हैं, अच्छे संस्कार, और अच्छे संस्कारों से युक्त ही जो अपने मार्ग का चुनाव करता है उसको सुसंस्कृत व्यक्ति बोलते हैं। अब आगे देखिए, भारतीय संस्कृतों कस्य समाहिता
भावना। भारतीय संस्कृत कस्य भावना समानता, देखिए उत्तर है यहां पर अस्याम संस्कृत प्रश्न मान लेंगे भारतीय संस्कृत भारतीय संस्कृति प्रश्न लिख रहा हूं साथियों, थोड़ी स्पेस की कमी है कि भारतीय संस्कृत भारतीय संस्कृति में कस्य भावना समाहिता, कस्य भावना समाहिता, ये प्रश्न हो गया। भारतीय संस्कृति में किसकी भावना समाहित है, तो अस्याम संस्कृत इस संस्कृति में आत्मत्यागस्य भावना, आत्मत्याग की भावना समाहित है, आत्मत्याग की भावना समाहित है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आत्मत्यागस्य उत्तर लिखेंगे आत्मत्यागस्य, आत्मत्यागस्य भावना समाहित। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय नाम धर्म विषय की दृशा विचारा संत, भारतीय नाम धर्म विषय की दृशा विचारा संत, भारतीय नाम धर्म विषय की दृशा विचारा संति, भारतीयों का धर्म के विषय में कैसे विचार है, कैसे विचार है, तो देखिए भारतीयों का धर्म के विषय में कैसे विचार है, भारतीय अनुभवन्ति, भारतीय अनुभव करते हैं कि जगत है सर्वे धर्मा मोक्ष प्रदाय का संति, सर्वे धर्मा अंततः एकमेव लक्ष्यं प्रतिगच्छन्ति, ये विचार। नेक्स्ट है संस्कृति कस्य उपकारं करती करोती, संस्कृति किसका उपकार करती, तो देखिए संस्कृति उपकार करती है, यहां पर अभी प्रश्न आया था कि संस्कृति किसका उपकार करती है, संस्कृति मानव का, राष्ट्र का और विश्व का उपकार करती है, संस्कृति मानव का, राष्ट्र का और विश्व का उपकार करती है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, अतः भारतीय संस्कृति विशेषता संति, इसलिए भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं पर धर्म, सहिष्णुता, आत्मशुद्धि और नारी सम्मान, ये भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। लोक हित के लिए भारतीय संस्कृति क्या कल्पना करती है, तो देखिए संस्कृति एक मानव हृदयेषु विश्व बंधुत्व भावना उत्पादे लोकहिताय करते, मानव हृदय में विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न करके लोकहित की कल्पना करती है। भारतीय संस्कृति अक्षुण है, स्थायी है, इसका अस्तित्व स्थायी है, तो इस जो लेख है ये एप्टिट ज्ञान से, इसका शीर्षक क्या होगा साथियों, इसका शीर्षक होगा भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति हम इसका शीर्षक लिख सकते हैं, भारतीय संस्कृति ये शीर्षक लिख सकते हैं, या भारतीय संस्कृति महत्व, या भारतीय संस्कृति महत्व, भारतीय संस्कृति का महत्व, ये भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भारतीय संस्कृति से संबंधित जो पठित गद्यांश है उसकी व्याकरण के विषय में भी एक बार जान लेते हैं हम, तो देखिए साथियों यहां पर जो मन का अथवा आत्मा का संस्कारित करती है वह संस्कृति है, तो करोति यहां पर क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है, और यहां पर सा संस्कृति वह संस्कृति, अब संस्कृति की जो विशेषण देखते हैं तो सा है, तो संज्ञा शब्द से पहले यदि सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह सार्वनामी विशेषण कहलाता है, तो संस्कृति का विशेषण होगा सा, ठीक है। अब संस्कृति मानव मन से अज्ञानम अपहरति, यहां पर आप उपसर्ग है, धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन,
प्र ददाति यहाँ पर प्र उपसर्ग है, दादातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, करोति वो इकरी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कल्पते कल्प धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपथ। यहां पर निज गुण रश्मि ना तृतीया विभक्ति एक वचन, मूल शब्द है रश्मि, और ज्योति एवं ज्योति की समान यहां पर संधि है साथियों रूप विसर्ग संधि। दिव्य ने यहां पर भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, और यहां पर अनुभवंति अनुपसर्ग है, भू धातु है, और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। यत अव्यय है, यत का मतलब होता है कि, और सर्वे धर्मा सभी धर्म, यहां पर धर्म की यदि विशेषण पूछा जाता है तो हम लिखेंगे सर्वे, और संति इसका कर्ता पूछा जाता है तो हम लिखेंगे धर्मा, और लिखें तो ब्रैकेट में हम सर्वे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सर्वे धर्मांतः एकमेव लक्ष्यं प्रति गच्छन्ति, यहां पर प्रति के रूप में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो प्रति का मतलब होता है ओर, ओर। तो प्रति जो उपपद है इसके विषय में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। भारतीय संस्कृत इसमें सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है, अधिकरण कारक भारतीय संस्कृति में हिंसा का कुछ भी स्थान नहीं। अश्याम संस्कृता संस्कृतो, इस संस्कृति में, अब जो संस्कृतो दे रखा है इसका विशेषण पूछा जाए तो आप लिखेंगे अश्याम, क्या लिखेंगे अश्याम। तो इस प्रकार से साथियों हम प्रश्न और उत्तर का संशोधन करते हैं, डिस्कस करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।